मेरी तो एंट्री आई और आपने मुझे ढाई दिया। एक साल से सेल कर रहे हो और ये ब्लू सिटी पैराडाइज जो है ये कितना बड़ा है कि आया कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है। 50 लोग यानी कि एक छत के नीचे बैठ कर। सर अगर हमारी बात करें तो हम न्यू सिटी पैराडाइज के सेल्स प्लैटिनियम पार्टनर थे। सर देखिए जो इन्वेस्टमेंट का टाइम बेसिकली होता है वो रिसेशन के पीरियड में कहा जाता है कि आप चीज इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। जिस टाइम हालात रिसेशन की तरफ हों उस टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं तो आप उसकी प्रॉफिट गेन करते हैं। गला करसा खरिया साफ सुथरे सुचिया। जैसा कि आपको पता है कि रियल एस्टेट की मार्केट आजकल क्या कर रही है पाकिस्तान में, तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा नाम सुना हुआ है इलहाक ग्रुप ऑफ कंपनीज का। अभी मैं इनके ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह सरवाइव कर रहे हैं और कैसे ये काम कर रहे हैं। आइए मेरे साथ, आपको मिलवाते हैं इनके MD से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन है आप, कैसे पूछ के अंदर आए हैं? ऐसे ही मुंह उठा के अंदर घुस जाता बंदा किसी के ऑफिस में। हो भाई, आपका माशाल्लाह बहुत ज्यादा मार्केट में नाम सुना है, रियल एस्टेट की मार्केट क्लैश कर रही है, तो मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। गुस्सा ना करें, मैं आपसे कुछ बातें पूछने के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा, आपको मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा हुआ है, कामरान साहब तो नहीं आते? जी जी बिल्कुल, मैं ही कामरान। आए ना बैठे, गपशप लगाते हैं कामरान जी। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है। जी कामरान साहब, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। अब्दुर्रहमान साहब, माशाल्लाह बहुत ज्यादा नाम सुना हुआ है मार्केट में, खास करके वाह टेक्सला सनअपदाल जो ये सराउंडिंग की मार्केट है, इलहाक ग्रुप ऑफ कंपनीज का। जी सर। तो आज इतफाक से मेरा यहाँ से गुजर हुआ तो मैंने कहा आपका इंटरव्यू लिया जी, तो मेरी तो एंट्री आई और आपने मुझे ड्राई दिया। कमरान साहब पहले तो मैं मज़ल करता हूँ, आप डायरेक्ट इस तरह ऑफिस में आ गए हैं, मुझे पता नहीं। मैं तो अपना समझ के घूमता रहता हूँ, पूरे इलाके में घूमता हूँ। मैं आपसे मज़ल चाहता हूँ, मैंने आपसे कोई ऐसी बात किया वो मैं असल में काम में बिजी था, आप डायरेक्ट अंदर आ गए तो समझ नहीं आई। जी कोई बात नहीं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो माशाल्लाह जलवे मैंने देखे हैं यहाँ पे रौनकें लगी हुई हैं आपके ऑफिस में, जबकि पूरे की पूरी मार्केट पाकिस्तान की खास करके रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो सारे का सारा तबाही वाली साइड पे जा रहा है, तो आपके पास क्या ऐसी खास कोई मैकेनिज्म है, कोई गिदड़सिंगी है, क्या चीज है जिस वजह से आप लोग ये रौनकें भाल हैं आपके पास? बस जी कामरान साहब, इसको तो आप अल्लाह का फजल ही कह सकते हैं कि हमारे पास इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम की परवानी चल रही है। दूसरा, हम जो स्पेशल डील कर रहे हैं वो न्यू सिटी पैराडाइज को कर रहे हैं, और न्यू सिटी पैराडाइज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी सोसाइटी लॉन्च हुई है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इन मौजूदा हालात में भी न्यू सिटी पैराडाइज अपने काम को बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से चला रही है, जिस वजह से बहुत अच्छा काम चल रहा है इनका माशाल्लाह। ये जो इलहाक ग्रुप ऑफ कंपनीज में, इसमें टोटली कितने एम्प्लॉयज कितने? जी अगर एम्प्लॉयज की बात करूँ तो सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है हमारे पास वो 50+ हैं। 50+? जी सर 50+। तो उन सब का रिस्क भी आपकी कंपनी के साथ मुंसलिक है? जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो कितनी कुछ बड़ी इन्वेंटरी है कि आप 50 लोग मिल के उसको सेल कर रहे हैं, कितने टाइम से सेल कर रहे हो आप? सर हम तकरीबन एक साल से सेल कर रहे हैं, और ये ब्लू सिटी पैराडाइज जो है ये कितना बड़ा है कि आया कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है। 50 लोग यानी कि एक छत के नीचे बैठ कर, तो सिर्फ आपका ऑफिस है? बिल्कुल। तो उसकी कितनी बड़ी इन्वेंटरी है सर? न्यू सिटी पैराडाइज के पास जो इस टाइम रकबा मौजूद है वो तकरीबन 35,000 कनाल का रकबा उनके पास मौजूद है, जिसपे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, और मजीद इन्होंने इनकी जो कमिटमेंट है वो तकरीबन 1,00,000 कनाल तक इन्होंने आगे जाना है। तो आपने टोटल कितने कुछ प्लाट सेल कर दिए? सर अगर हमारी बात करें तो हम न्यू सिटी पैराडाइज के सेल्स प्लैटिनियम पार्टनर थे, ऑथराइजशिप थी हमारे पास, और हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको अंदाजा हो गया होगा, हमारी सेल्स टीम देख के, हमारा काम करने का तरीका देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कैसा काम कर। ये जो आप अभी इन दिनों में पाकिस्तान की भी हालात ऐसे हैं, तो क्या टेक्निक है आपके पास कि आपकी फाइलें धड़ाधड़ जो सेल हो? सर देखें, जो इन्वेस्टमेंट का टाइम बेसिकली होता है वो रिसेशन के पीरियड में कहा जाता है कि आप चीज़ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। जिस टाइम हालात रिसेशन की तरफ हों उस टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं तो आप उसमें प्रॉफिट गेन करते हैं। अगर हालात बेहतर हैं और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आपको इतना ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देता जितना आप रिसेशन के टाइम पर इन्वेस्टमेंट करके बेहतर हालात में ज़्यादा प्रॉफिट उठा सकते हैं। और यही चीज़ जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो अच्छा तबका है, जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो आपके कस्टमर पाकिस्तान से हैं या पाकिस्तान के बाहर से? अच्छा, आप कह सकते हैं कि हमारे 70% जो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं वो ओवरसीज हैं, बाकी 30% आप कह सकते हैं कि लोकली यहाँ के अच्छे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं और जो बाकी जॉब वाले हैं या बिजनेस वाले हैं वो लोग हैं। जबकि सुनने में तो आ रहा है कि ओवरसीज वाला तो इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा। सर, जो अच्छे ओवरसीज लोग हैं जिनको बिजनेस की समझ है, जिनको इन्वेस्टमेंट्स की समझ है, वो लोग जरूर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मुझे बताएं क्या क्राइटेरिया है आपका कि जो ये यंगस्टर आपके साथ अटैच है उनको क्या यानी कि बेनिफिट देते हैं और फिर क्या आपका क्राइटेरिया प्रॉपर? कमरान साहब, अगर देखा जाए तो इस टाइम पे वाकेंट और न्यू सिटी के वाले से, वाकेंट के वाले से, फैसल B17, अगर ओवरऑल बात की जाए तो इतनी बड़ी टीम के साथ कोई भी कंपनी काम नहीं कर रही जितना स्टाफ हमारे पास है, जितने लोग हमारे साथ इन लाइन है। ठीक है, इन हाउस बात की जाए तो हमारे पास तकरीबन 50+ स्टाफ हमारे पास यहाँ अंदर बैठ के काम कर रहा है। ठीक है, उस तरह अगर बात की जाए कि जो बायर फ्रीलांसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी बेताशा लोग हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि जब आप अपने एम्प्लॉई को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आपके साथ अच्छे तरीके से चलते हैं। तो अहलहाक ग्रुप जो है ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है या अदर और किसी प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करती है? सर देखें, जो हमारा बेस प्रोडक्ट है वो न्यू सिटी पैराडाइज है। ठीक हो गया, हम न्यू सिटी पैराडाइज को एज अ बेस प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं। साथ अभी हमने न्यू सिटी पैराडाइज के अंदर अपना एक कमर्शियल स्टार्ट किया है, उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं हम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पाइपलाइन में काफ़ी सारी सोसाइटीज हैं। अगर कोई हमें अच्छी सोसाइटी या अच्छा प्रोडक्ट मिलता है जिसमें अवाम के लिए बेहतरी हुई तो इंशाल्लाह हम जरूर उस पर भी काम करेंगे। तो क्या मुझे आप जरा अपना ऑफिस दिखाएंगे भी मेरे साथ? गुस्सा नहीं, नहीं सर, कोई नहीं। आपको मैं जी कमरान साहब, ये हमारी सारी सेल्स टीम बैठी हुई है माशाल्लाह। अब्दुर्रहमान साहब, मुझे ये बताएं कि ये जितने यंगस्टर लोग बैठे हुए हैं और इनका काम क्या है? सर बेसिकली ये सारे टेली मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स का काम इनका। ठीक है, तो ये कहाँ से लीड कैसे जनरेट करते हैं? सोशल मीडिया से लीड जनरेट करते हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लीड जनरेट करते हैं। और इनका काम होता है फिर डायलिंग करना, डायलिंग करके क्लाइंट्स को ऑफिस में बुलाना, फिर डील में यानी कि पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म आपने तैयार किया हुआ है। आपकी मेरे ख्याल में जो कामयाबी का राज है वो यही है, ये लोग सारे किसी ना किसी के साथ आपका रिस्क भी वाबस्ता होता है। बंदा कभी भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके पास एक टीम नहीं है, टीम वर्क नहीं है, टीम वर्क के बगैर अकेला बंदा कोई भी इतना बड़ा सेटअप नहीं। ये तो बात बिल्कुल आपने ठीक की, अगर एक बंदा अकेला दस्तरखान पे बैठ के अगर खाएगा तो उसे खाने में भी मजा नहीं आता है। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करके खाते हो ठीक है, तो मेरे ख्याल में खाने में लज्जत भी हो जाती है और खाने में इजाफा भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, हर शख्स का अपना नसीब होता है। ये होता है जी कामयाबी का राज। आपको पता है कि अभी पाकिस्तान के हालात वाकियात कैसे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह ये कंपनी के MD हैं और इनकी जो कामयाबी का राज है वो यही है कि अगर आपकी टीम अगर अच्छी है, काम करने वाले लोग हैं, तो कोई हालात आपको कुछ भी नहीं कहते। तो इन्हें आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर कोई इन्वेंट्री आप बाय करना चाहें तो इन्वेंट्री भी आप बाय कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर आपको इनका नंबर शो हो रहा है। माशाल्लाह टीम इनकी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और कमेंट सेक्शन पे लाजमी अपनी राय दीजिएगा और दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पी अमान अल्लाह।